एक लड़की की 10 साल पहले शादी होती है और फिर शादी के बाद वह अपने मायके में रहने लगती है और 10 साल तक मायके में ही रहती है। उसका पति भी उससे वहीं पर मिलने के लिए आ जाया करता है कभी कभार। और फिर दोस्तों उस लड़की ने अपने मायके में ही एक लड़के से प्रेम प्रसंग रचाए और फिर उस प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के साथ कुछ कर डाला। ऐसा कांड अगर आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों इस कहानी का शीर्षक हम धोखेबाज पत्नी के नाम से भी इसका टाइटल दे सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत महलकपुर गांव की। महलकपुर गांव से एक सुमनपाल नाम की लेडीज जो कि औरत है जिसकी उम्र 32 साल है वह थाने पहुंचती है और जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि साहब मेरा पति जो कि घर से उत्तराखंड के मंदिरों में घूमने के लिए गया था और अब वह वापस नहीं आया है, ना ही उसका फोन मिल रहा है, आखिर वह गया तो गया कहाँ, उसको ढूंढ दीजिए। दोस्तों पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं, सुमन वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद अपने घर चली जाती है। अब क्या होता है, दूसरे ही दिन सुमन की सास जिसका नाम होता है कुशनेश पाल और सुमन का देवर जिसका नाम होता है विपेंद्र पाल, वो दोनों भी उसी थाने में पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब हमारा बेटा जिसका नाम जितेंद्र पाल है वह घर से गायब है और हमें शक है कि उसकी पत्नी ने उसको गायब किया है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो सुमन पाल होती है उसका पति होता है जितेंद्र पाल। जितेंद्र पाल की उम्र होती है 35 साल और जितेंद्र पाल घर से गायब था। अब जितेंद्र पाल के माँ पुलिस से कहती है कि हमारा बेटा घर से गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है और हमें शक उसकी पत्नी के ऊपर है। अब दोस्तों पुलिस के सामने एक असमंजस परिस्थिति होती है क्योंकि पहले के दिन उसकी पत्नी रिपोर्ट दर्ज करवा कर गई थी जितेंद्र पाल की और दूसरे दिन उसकी माँ और उसका भाई रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आ गए उस पत्नी के खिलाफ। अब यहाँ पर पुलिस जो जितेंद्र पाल गायब था उसकी माँ के बयानों पर ज़्यादा जोर देती है और माँ की कही गई बातों को वह अनुसरण करती है, लेकिन वह डायरेक्ट उसकी पत्नी को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी क्योंकि कोई क्लू नहीं था, इसलिए वह भीतर ही भीतर छानबीन करना पुलिस जारी कर देती है। अब क्या होता है, पुलिस सुमन की कॉल डिटेल चेक करती है, उसके फ़ोन को CDR पर लगा दिया जाता है। अब पुलिस को पता चलता है कि सुमन के फ़ोन पर 5 मई जिस टाइम उसका पति गायब हुआ था 5 मई रात 12 बजे उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है जो कि उसी के गाँव के नीरज नाम के एक लड़के का होता है। और दोस्तों अब पुलिस एक कांटा डालती है, पुलिस नीरज को उठा लेती है और सुमन को उठा लेती है। दोनों को उठाकर उनसे पूछती है, उनसे कहती है कि जो भी तुमने 5 मई को रात 12 बजे बातें की थी हमें उन बातों का सारा पता चल गया है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, इसलिए तुम सारी सच्चाई हमारे सामने अपने मुंह से बता दो वरना हम अगर उगलवाने पर आ गए तो बहुत बुरा होगा। दोस्तों यहाँ पर नीरज और जो सुमन होती है वह डर जाते हैं और वह सारी घटना अपने मुंह से बयां करने लगते हैं। अब सुमन बताती है कि जो जितेंद्र पाल था, जो मेरा पति था, वह पीछे से जौनपुर जिले के धामपुर गांव का रहने वाला है, यानी कि मेरी शादी जौनपुर जिले के धामपुर गांव में हुई थी जितेंद्र के साथ। मैं शादी के बाद अपने पति के घर जाती हूं और मेरे ससुर का नाम होता है सुरेश पाल। सुरेश पाल सरकारी नौकर था, वन विभाग में सरकारी नौकरी किया करता था। उस घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई तंगी नहीं थी। अब जो सुमन होती है वह बताती है कि मैं दुल्हन बनकर उनके घर में जाती हूँ और वहाँ जाकर खूब हंसी खुशी रहा करती हूँ। 1 साल के बाद मुझे एक बच्चा हो जाता है और बच्चा होने के बाद हम सभी लोग बहुत खुश थे। तभी उसके ससुर जिसका नाम सुरेश पाल होता है उसकी हार्ट अटैक से ड्यूटी पर ही मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद अब सुरेश की जो नौकरी होती है वह मेरे छोटे देवर विपेंद्र पाल को मिल जाती है और जो मेरे ससुर का पैसा मिलना होता है 25 लाख वह मेरे पति जितेंद्र को मिल जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, जितेंद्र अपने 25 लाख रुपयों को घर में ना बांट करके उन सारे पैसों को अपनी पत्नी के नाम कर देता है, यानी कि अपने छोटे भाई और अपनी माँ को नहीं देता है। दोस्तों अपनी पत्नी के नाम करने के बाद अपनी पत्नी को वह मायके भेज देता है क्योंकि पत्नी के गाँव में उसके माँ बाप नहीं थे, उसके गाँव में वो 4 बहनें थी और उनके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी थी। अब जो जितेंद्र पाल होता है वह सोचता है कि पत्नी के गाँव में ही रहा जाएगा, वहीं पर हम घर बनाएंगे इन पैसों का और वहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वहीं पर हम रहेंगे। दोस्तों अब जो जितेंद्र होता है अपनी पत्नी को उसके मायके भेज देता है और वहाँ पर 25 लाख रुपयों से एक नया घर बना लिया जाता है। अब क्या होता है, वहाँ पर पूरा नया घर बन चुका था, पत्नी वहीं पर रहने लगी थी और जो खेतों
की देखभाल करने के लिए वह रोज़ जाया करते, तभी वह कहने लगते हैं कि खेतों की देखभाल करने के लिए क्यों ना गांव का कोई मजदूर रख लिया जाए जो यहां पर काम किया करे। तो गांव में रहने वाला एक नीरज नाम का लड़का होता है, उसको वह अपनी खेतों की देखभाल करने के लिए रख लेते हैं। फसल कटना, फसल उठना, पानी वगैरह लगाना खेतों में, ये सारा काम नीरज किया करता है। और दोस्तों, जो फसल उठ के पैसे मिलते हैं उसको भी देने के लिए वह घर पर आया करता है। अब जो जितेंद्र पाल होता है, वह आधी बार तो अपनी पत्नी के पास रहता है, आधी बार वह अपनी माँ के पास अपने गांव में चला जाया करता है। तो इसी तरह से 10 साल तक वह इसी तरह से रह रहा होता है। लेकिन दोस्तों, उधर उसकी पत्नी, जिसका नाम सुमन होता है, उसकी पत्नी के पास वह नीरज, जो उनके खेतों में काम करने वाला इंसान था, वह आया करता है। तो उन दोनों की नज़रें मिल जाती हैं, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बन जाते हैं, और इसी तरह से उनके बीच में प्रेम प्रसंग बनते रहते हैं। और धीरे धीरे 10 साल गुजर जाते हैं, सुमन का जो बेटा है वह 11 साल का हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, अब जैसे ही जितेंद्र अपनी पत्नी के घर आता है, तो वहां पर जैसे ही एक दो दिन रहकर जाता है, तो उसी गांव के लोग जितेंद्र को बता देते हैं कि तुम्हारी पत्नी का चक्कर इसी गांव के नीरज के साथ है। दोनों अवैध संबंध बनाते हैं। नीरज को जब यह बात पता चलती है, तो नीरज बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है अंदरूनी तरीके से, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। पिता के मरने के बाद जो 25 लाख रुपए मिले थे, वो भी उसने अपनी पत्नी के नाम कर दिए थे। अब वह अपनी पत्नी से जाकर पूछता है कि क्या ऐसा है, लेकिन उसकी पत्नी उल्टा उससे लड़ाई करने लगती है कि गाँव वाले तो जलते हैं हमसे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे खेत हैं। दोस्तों, यहां पर लड़ाई तो बंद हो जाती है, लेकिन जितेंद्र के मन में यह बात उतरती नहीं है। उसको लग जाता है कि जरूर नीरज के साथ मेरी पत्नी का चक्कर है। अब वह छुपके निगाह रखने लगता अपनी पत्नी के ऊपर। और एक दिन क्या होता है, जितेंद्र अपनी पत्नी को रंगे हाथ नीरज के साथ पकड़ लेता है, नग्न अवस्था में संबंध बनाते हुए। दोस्तों, यहां पर घर में बहुत जोरों की लड़ाई होती है, नीरज वहां से भाग जाता है, और जो जितेंद्र होता है अपनी पत्नी सुमन से जोर जोर से लड़ाई करने लगता है। अब जितेंद्र और सुमन के बीच में जोर जोर से लड़ाई हो रही थी, तो सुमन उल्टा कह उठती है कि मेरी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी को कैसे भी जीऊं, तुम्हें क्या मतलब, मेरी मर्जी, मैं कैसे भी रहूं, किसी के भी साथ रहूं। दोस्तों, यह बात जब जितेंद्र सुनता है, तो उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा किया था, पैसे भी उसे दिए, और अपनी पत्नी को अपने गाँव में ही रखा, और उसके ऊपर उसे पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। लेकिन जब पत्नी ने उल्टा उससे ये कह दिया कि मैं जैसा करूंगी, मेरी मर्जी, अब वह भीतर से टूट जाता है। अब वह दोस्तों ना ही अपने घर जा सकता माँ के पास, क्योंकि उसकी माँ भी ये कहती कि अपनी पत्नी का इतना भरोसा कर लिया तूने, हमारी बात नहीं मानी, पैसे भी उसी को देता था, और अब ना ही वह अपनी पत्नी के पास रह सकता है। वह दोस्तों बदहवास सा गलियों में घूमने लगता है और शराब पीने लगता है। अब उसको शराब की लत लग जाती है, और अब वह रोज़ रोज़ अपनी पत्नी से लड़ा करता है, बुरी तरह से कहा करता है कि तू नीरज के साथ क्यों रहती है। उसकी पत्नी उससे परेशान हो जाती है, रोज रोज का उनका झगड़ा होता है। तो उसकी पत्नी नीरज से कहती है कि मैं अपने पति से परेशान हो चुकी हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नीरज खुश हो जाता है, क्योंकि उस सुमन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, अब वह उससे शादी करेगा तो वह मालामाल हो जाएगा। उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, और वह कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो सुमन कहती है कि इसके लिए तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना वह हमारे बीच में रोड़ा बना रहेगा। नीरज तैयार हो जाता है, और फिर क्या होता है, दूसरे दिन दोस्तों नीरज की मौत की प्लानिंग की जाती है, और इस तरह से मौत की प्लानिंग की जाती है किसी को कानो कान खबर ना चले। अब क्या होता है, नीरज एक स्कॉर्पियो लेता है और अपने दो दोस्तों को तैयार करता है। उसके दो दोस्तों का नाम होता है, एक का नाम मिथुन, एक का नाम होता है सौरभ। इन दोनों दोस्तों को तैयार कर लेता है, और जो जितेंद्र होता है वह शराब पीकर गलियों में घूम रहा होता है, और जितेंद्र को उसकी पत्नी ये कह देती है कि बाजार से कुछ सब्जी लेकर आओ। तो जितेंद्र सब्जी लेने के लिए जा रहा होता है, कुछ नशे में होता है, कुछ होश में होता है। तभी वहां पर नीरज स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर पहुंच जाता है, और जितेंद्र से कहता है, भाई मुझे माफ कर दो, जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, आओ गाड़ी में बैठो, हम दोनों प्यार से रहेंगे, और चलो पार्टी करते हैं, शराब पियेंगे। अब दोस्तों जितेंद्र उसकी बातों में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, नीरज उसको एक दुकान पर ले जाता है, और अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि जाओ कुछ गिलास लेकर आओ। दोनों दोस्त मिथुन और सौरभ गिलास लेकर आते हैं, और फिर जो नीरज होता है वह कहता है जितेंद्र से कि यहाँ पर शराब नहीं पियेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस पहरा देती रहती है, चलो कहीं एकांत जगह में चलते हैं। तो उस गाड़ी को जंगलों की तरफ मोड़ दिया जाता है, और वहाँ जाकर शराब पी जाती है। जैसे जितेंद्र नशे में हो जाता है, तो वह दोनों लड़के मिथुन और सौरभ और नीरज उसकी गर्दन को दबाकर उसको तड़पा तड़पा कर वहीं पर मार देते हैं, और जंगल में उसकी लाश को फेंक आते हैं। और फिर दोस्तों रात को 12 बजे जो नीरज होता है वह अपनी प्रेमिका सुमन के पास फ़ोन करता है कि मैंने काम तमाम कर दिया है, काम हो गया है, और इसी कॉल के वजह से वो दोनों पकड़े गए थे।
तो दोस्तों उसके बाद पुलिस कहती है डेड बॉडी कहाँ पड़ी है, तो डेड बॉडी के पास जब ले जाया जाता है पुलिस को, तो वहाँ पर डेड बॉडी नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र के कुछ कपड़े मिलते हैं और कपड़ों को दांतों से काटा गया था, किसी जानवर ने काटा था। तो पुलिस समझ जाती है कि इस लाश को जंगली जानवर खा चुके हैं, सिर्फ कपड़े वहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों पुलिस सुमन को और नीरज को अरेस्ट करती है, उनको जेल में भेज दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया, इसीलिए इस कहानी का टाइटल मैं कह रहा था इसका टाइटल होना चाहिए धोखेबाज पत्नी। जिस पति ने अपनी सारी इच्छाएँ, अपनी सारी चीज़ें पत्नी को सौंप दी, उस पत्नी ने अपने पति को ही धोखा दिया, उसकी सारी इच्छाओं पर पानी फेरा और एक अपना अलग ही यहाँ पर कृत्य किया। दोस्तों यहाँ पर उस पत्नी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी ऐसी पत्नियाँ भी होती हैं, कई बार ऐसी लड़कियाँ होती हैं समाज के अंदर जिनकी जो अकल होती है वो घुटनों में होती है, उनको कुछ भी सूझता नहीं है, सिर्फ ऐसे उल्टे सीधे कामों में ही उनका दिमाग चलता है। और ऐसा ही यहाँ पर इस सुमन ने चलाया, जो पति उसके लिए अपने घर वालों को छोड़कर उसी के गांव में आकर रहने लगा, उसी पति को उसने धोखा दिया और अपने ही गांव के लड़के से उसने प्रेम प्रसंग बनाए, जो कि बहुत गलत थे। तो यहाँ पर उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं जो कि बहुत ही भयावह और देखने में बहुत ही दर्दनाक होती हैं। इन चीज़ों से बचकर रहा जाए और ज़्यादा विश्वास किसी पर ना किया जाए तो ही बेहतर है, इन घटनाओं को देखते हुए। पति पत्नी के ऊपर हालांकि विश्वास का रिश्ता होता है, लेकिन कई बार विश्वास को भी तोड़ दिया जाता है इन रिश्तों के अंदर। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।